हेमंत, कैसे आप? आज गाइस हम मुंडेश्वरी माँ आए हैं। गाइस यहाँ का हम कुछ रहस्यमय चीज़ें बताने वाले हैं आप लोगों को, और यहाँ का व्यू दिखाने वाले हैं जो मुंडेश्वरी माँ कब आना चाहिए वो भी चीज़ बताऊँगा। और गाइस यहाँ का कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। और फाइनली सीनियर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बस हमने आ गया। तो सब लोग आते हैं सभी वक्त, तो आइए हम दिखाते हैं यहाँ का। सो गाइज अभी हम लोग जंक्शन पे हैं, और सासाराम जंक्शन से हम लोग भगुआ मोहनिया उतरने वाले हैं। तो भगुआ उतर सकते हैं तो मोहनिया उतर सकते हैं, बात वही पड़ेगा। हम लोग आज जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे मुंडेश्वरी। तो गाइज मुंडेश्वरी का व्यू दिखाते हैं। सासाराम जंक्शन पे हैं, देख सकते हैं, और सासाराम जंक्शन से ही हम लोग चलेंगे। 10 बजे ट्रेन है जो पैसेंजर है। तो सो गाइज फाइनली कुछ देर ही वेट कर रहते हैं, और साथ में राजा है, देख सकते हैं, साथ में एंजॉय करते के साथ चलेंगे राजा के साथ। क्या राजा, सफ़र कैसा रहा? अभी तो जा रहे हैं भाई। सफ़र आज का खराब, टिकट उकट कटा लिए थे 8:30 बजे वाला, वो वाला छूट के भाई 10 बजे वाला टिकट है। फाइनली तो गाइस फाइनली यहाँ से भगवा जंक्शन उतरने के बाद सीधे हम लोग बस पकड़ लेते हैं। यहाँ से भगवा से हम लोग फाइनली मुंडेश्वरी के धाम पे पहुँच गए हैं, जहाँ रोड है, और आगे चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। जाएगा ये के रास्ता और ये के रास्ता, तो यही रास्ता मुंडेश्वरी धाम जाएगा, और आगे चलिए दिखाते हैं। भाई साहब यहाँ पार्क, वाओ, मतलब मस्त मस्त चीज़ें देख सकते हो, बाघ, हिरन, और देख सकते हैं अच्छा पार्क है। और यही रोड से चलते हैं, तो यही रास्ता जाएगा। पार्क घूमना चाहते हैं तो टाइम से आइएगा। तो ये देख सकते हैं पार्क, भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा पार्क है। अगर आपके पास टाइम है तो ये पार्क ज़रूर घूमिए, बहुत सुंदर लगता है। और आगे से रास्ता हम आपको दिखाते हैं, यहाँ का रहस्यमय चीज़ें आपको भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो ये गाड़ी वाला रास्ता है, देख सकते हैं गाड़ी वाला रास्ता है, और ये पैदल रास्ता है, तो यही चलते हैं। नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो नवरात्र में आइएगा आप लोग, बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसका रहस्यमय चीज़ें बताएंगे, साथ में मेरा दोस्त आया हुआ है, देख सकते हैं। क्या राजा, आने में कितना मुश्किल हुआ बताओ? बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन आप एकदम नॉर्मली तरीका से बताएंगे आप लोगों को आने का तरीका, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मस्त मस्त चीज़ें भी दिखाएंगे, इसका रहस्यमय चीज़ें भी दिखाएंगे। क्या है राज, ये गाइस मुंडेश्वरी का ये द्वार, जो इसी के अंदर से हम लोग प्रवेश करेंगे, देख सकते हैं, और चलते हैं। सीढ़ी ये देखिए भाई, बहुत सारा टॉफी, वाओ, यहाँ से टॉफी लेके जा सकते हैं थोड़ा बहुत मस्ती करने के लिए। सो गाइस अगर ये सीढ़िया का बात करें कि सीढ़िया कितनी चढ़नी होती है, तो 565 सीढ़िया का भी चढ़ा होता है। बहुत लोग इतने 565 सीढ़िया को चढ़ के जाते हैं दर्शन करने माँ की, और माँ का दर्शन के लिए मंदिर दिखाएंगे और उसका रहस्यमय चीज़ें बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी मस्त लगने वाला है। आप दोस्त आ ही रहा है, हाय बोलो। तो गाइस देख सकते हैं, और चलते हैं, आज तो मन कर दिया मुंडेश्वरी घूमने को, तो फाइनली आ गए हम लोग, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं भाई। और यहाँ एक पार्क खूबसूरत सा, जो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। अभी तो हम लोग 100 सीढ़ियाँ ही पार कर चुके हैं, अभी 400 सीढ़ियाँ हैं, 100 सीढ़ियाँ पार करने में ही हम लोग थक गए हैं। छोटा बच्चा था, पैर पकड़ा है, तो फाइनली गाइस आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सीढ़िया का मज़ा। और सीढ़ी से आइएगा तो अलग मज़ा है, और गाड़ी बस तो है ही आने का। ओ भाई साहब, भाई अगर थकान हो जाए तो यहाँ जूस सब रखे हुए हैं, जूस पी सकते हैं। और आगे ये सीढ़िया जितना मुश्किल है ना, रास्ते उतने कठिन हैं। काफ़ी थक गया भाई, मतलब पेन होने लगा। और चलिए आपको छोड़ के पूरा दिखाते हैं गाइस, 200 सीढ़ी पार। गाइस 300 पार, 200 बचा, 350।
थोड़ा दूर और 465 बचा है। सो बोलो मुंडेश्वरी मैया की जय। गाइस 500 सीढ़िया पूरा हुआ, 65 बाकी है, आगे चलते। 500 सीढ़िया चढ़ चुका और 65 सीढ़िया बचा है, जितने से काफ़ी थक गए हैं, बस सबको दिखाने वाले हैं। 500 पूरा हुआ। मुंडेश्वरी का असली गेट यही है, जो यही रास्ता जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ लोग अपने घर बना रहे हैं, जो होता है कि जैसा घर वैसा अगला जन्म में मिलता है। तो ये लोग घर बनाते हुए देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सीढ़िया अभी बहुत दूर है, चलते हैं। मुंडेश्वरी माँ का सीढ़िया नहीं, इससे आगे चलो। बस फाइनली गाइस पहुंच गए, फाइनली ये सीढ़िया मेरा पूरा हुआ। और 565 सीढ़ियों का चढ़ाव जो है ना, काफ़ी मुश्किल था, बट आ ही गए। और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं और सभी चीज़ें कुछ बताते हैं। बैठने का जगह और ये शीतल पेयजल वहाँ मिलता है। और ये हवन कुंड गाइस, फाइनली ये मेन गेट है, देख सकते हैं। और यहीं से माँ के द्वार के अंदर चला जाए। सो गाइस माँ मुंडेश्वरी का असली मंदिर यही है, जो पंचभूत से पूरा घिरा हुआ है, पंच गेट है। और इसमें शिवलिंग भी स्थापित है, जो शिवलिंग का मतलब दिन पे दिन कलर बदलता रहता है। और आपको अंदर शिवलिंग दिखाएंगे जो भोले बाबा का है, और ये सब देख सकते हैं। चलिए अभी और एक्सप्लोर कराते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छा दिखाते हैं। सभी भक्त आ रहे हैं और साथ में दोस्त हैं ही, देख सकते हैं। आके सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मिला यार, सच में यार। कोई जन्नत मतलब एक जो रहस्यमय चीज़ होता है ना, वो चीज़ आप अपना पूजा करते हैं और चुनरी बांध लेते हैं और मनोकामना मांग लेते हैं। यहाँ ये भगवान जो हैं, देख सकते हैं, नंदी भगवान है। और ये पंचभुज का ये मंदिर जो बहुत आकर्षित है, और ये बहुत पुराना मंदिर है, आप सोच नहीं सकते। विश्व का सबसे पुराना मंदिर यही है जो माँ मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अपना भारत का बिहार का तो है ही, और ये कैमूर में स्थित कैमूर पहाड़िया, जो ये माँ पंचभुज, जो ये माँ का मंदिर है, देख सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा से एक्सप्लोर करा रहा हूँ। दोस्तों आइए देख सकते हैं भाई, ये पुराना मंदिर जो बहुत साल पुराना है, जो 5वीं सदी में ही इसका स्थापित हुआ था। और ये मंदिर विश्व का सबसे पुराना मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये माँ मुंडेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। और ये भाई ना, यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अंदर का दिखाएँगे तो आप चौंक जाएंगे, इसका रहस्यमय चीज़ यही चीज़ है। देख सकते हैं गाइस, और ये देख सकते हैं माँ का व्यू। बहुत पुराना मंदिर है, परिक्रमा कर जाता है, जो मिस होता है वो मांगने पे पूरा हो जाता है। चलिए परिक्रमा हम भी कर लेते हैं, पाँच बार वहाँ से गिनती है यार, एक अच्छा यूट्यूबर बना दे बस। भले बाबा यहाँ, फाइनली यहाँ का चीज़ें और वीडियो एक्सप्लोर करा दिया, माँ को दिखा दिया। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब तक लिए चलते हैं। और साथ में राजा बाय बाय बोल दो, बाय बाय गाइस, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सब वीडियो सर।